Party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन ब्लॉग्स। तो भाई पटना में जानते हो बहुत ही अच्छा एक यूनिक चीज खुला है। तो पहले आप लोग लोकेशन जान लीजिए। तो अभी हम लोग है भाई पाटलिपुत्रा साईं बाबा नियर मंदिर। तो आपको हल्दीराम से टर्न करना है। चलिए आप पहले लोकेशन देख लीजिए। तो पाटलिपुत्रा गन शूटिंग एकेडमी खुला है भाई, पूरा पटना में पहली बार है। तो आज उसको देखेंगे और गन का प्रैक्टिस भी होता है, देखेंगे गन भी ट्राई करेंगे यूज करके। तो मजा आता है। देखिए भाई हल्दीराम है, हल्दीराम से आपको लेफ्ट ले लेना है। तो लेफ्ट से आपको ज़्यादा कुछ लोकेशन में है नहीं, नॉर्मल है, अच्छा जगह पर है। उसके बाद फिर से लेफ्ट लेना, जो फर्स्ट रोड मिलेगा इसमें आपको लेफ्ट लेना। यहाँ आपको शिवम पब्लिक स्कूल है, उसके अपोजिट साइड में पाटलिपुत्रा गन एकेडमी खुला है। तो चलते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार लगता है भाई, पटना में पहली बार है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पाटलिपुत्रा गन शूटिंग एकेडमी। तो भाई यहीं पर है पाटलिपुत्रा शूटिंग गन एकेडमी। आप लोग जाइएगा थर्ड फ्लोर पर, तो वहीं पर है भाई। पटना में ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ खुलने वाला है, खुल रहा है और खुलने वाला भी है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। पूरे पटना में पहली बार खुला है भाई पाटलिपुत्र गन शूटिंग एकेडमी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, और देखिए आप यहां पे शूटिंग वूटिंग सब चीज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं भाई, अलग लेवल का तो एक्सपीरियंस होगा। My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Ayo, that's me, I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. So I gun dekh raha hu bhai. अलग अलग तरह का गन पूछते हैं भैया से। गन मतलब मुझे तो नाम नहीं पता है, भैया को नाम पता है और कितने प्राइस का गन है, पहले इसका इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ मैं। गन है भैया लगभग ये अभी दो गन, ये है दो गन, मतलब दो दो लाख का, मानो चार लाख का तो गन इधर ही है। कुछ ज़्यादा मतलब लाइट वेट है नहीं, मज़ा आएगा, आइए जरूर और ट्राई जरूर करें। तो ये हम लोग के भाई टीचर हैं, यहाँ के गाइड यही करेंगे पूरा जो है शूटिंग में, आपको अच्छा से अच्छा सिखाएंगे भैया। तो यही गुरु है हम लोग को, तो दिखाते हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए, ये जो गन देख रहे हैं आप, ये जर्मनी की गन है, ठीक है। जो है गन ओलंपिक स्टैंडर्ड, मतलब ओलंपिक में इसी गन से फायर होता है, ठीक है। और आपको ये जो गन दिखा रहे हैं ये इंडियन गन है, ये इंडियन गन है, पूरा भारत का जाने भाई, ये इंडियन गन है। नॉर्मली जो बिगनर आते हैं ना, उसको हम लोग ये गन यूज करने देते हैं, क्योंकि जब तक इससे शॉट नहीं, एक जगह शॉट लगेगा तो हम लोग उस गन पे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो है थोड़ा स्टैंडर्ड। जब तक आपका ग्रुपिंग सही नहीं रहेगा, आप लोग सही नहीं लगेगा, तो हम वो गन यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग जब भी आएगा तो पहले इसी पे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेगा, इसी पे प्रैक्टिस करने पड़ेगा, तब आपको बड़ा गन मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एयर पैलेट्स है, इसी पैलेट्स का यूज हम लोग इस गन में करते हैं। माने तो बुलेट। चलिए और ये आपको दिखाते हैं, ये पिस्टल जो स्विट्जरलैंड का पिस्टल है, ठीक है, ये मोड़नी है इसी गन से हम लोग, हाँ इसका नाम मोड़नी है, इसी गन से हम लोग ओलंपिक में फायर करते हैं। तो ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का गन है, मतलब उसमें ओलंपिक में इसी गन से यूज होता है। ये भी एक गन है, ठीक है, ये भी एयर पिस्टल है, मतलब इसको स्टेयर बोलते हैं। ये मैनुअल है और ये जो गन थी ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, ये गन का इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैनुअल। Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. तो भैया देखो भाई शॉट मारने वाले हैं, देखते हैं इनका निशाना। ये गुरु जी हैं तो शॉट तो इनका बीच में लगेगा। देखो पहले पोजीशन बना लिए हैं भैया, पहले भैया पोजीशन बना लिए हैं और अब देखते हैं भैया का शॉट। तो भाई लगा शॉट, देखते हैं
कहाँ लगा है। तो भैया शॉट मारे, देखते हैं क्या लगा है, कहाँ पे लगा है। तो वो आ रहा है, देखते हैं भैया का शॉट। गुरु जी ये तो भाई देखो शॉट, देखो यार जहाँ सटीक लगना था वहीं लगा है। वाह भैया ये है गुरु जी असली। तो आप लोग भी आएंगे तो ज़्यादा मतलब कितना दिन में हो जाएगा भैया प्रैक्टिस? ये तो खुद पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका बेहतर होते चला जाएगा। सबसे पहले आपको ये होल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक होल्डिंग सही नहीं होगा तो मेरा शॉट जल्दी सही जगह नहीं लगेगा। होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप देख सकते हैं कहाँ पर आपका निशाना लगा है। ये जो आपका ये डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट ये 10 है, इसी पे हम लोग को फोकस करना है। डॉट 10 है। देखते हैं हम भी शॉट मार के एक बार कहाँ लगता है। वो भाई ऐसे रहता है, पोजीशन ऐसे लेना है, ये जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाना था यार। और ये जो हैंड है आपका ये हिप के पास रहेगा, ताकि ये सपोर्ट मिले। और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना यू जैसा, उसी पे ये उसको मिलाना है। यू और आई को एक लेवल में मिला के, और वो टारगेट जो ब्लैक बॉल दिख रहा है उसके नीचे लेना है, 6 बजे लेना है। जैसे ही 6 बजे मिल जाए सांस रोकना और फायर कर देना है। आइए एक बार ट्राई कीजिए आप, ये देखिए यू और ये आई, इसमें फिट करना, उसके बाद वो वहां पे। तो फाइनली हम लोग शूट करते हैं भाई, देखते हैं कहाँ लगता है, देखते हैं कहाँ लगा है। भाई मेरे लिए तो कहीं भी लगा तो बहुत है, अभी बिगनर ना है। चलो भाई अच्छा लगा, मजा तो बहुत है भाई, एडवेंचर मजा तो बहुत है। तुम उठाओ और शूटिंग करिए। से क्या होता है, फोकस हो जाता है, मेन टारगेट क्या करना है फोकस हो जाता है। तो पोजीशन पहले, सबसे पहले पोजीशन अच्छा से लेने पड़ेगा। देखते शॉट शॉट लगे, देखते हैं शॉट तो मार दिए भैया, देखते कहाँ लगा है। अरे वाह थोड़ा सा एंगल हल्का सा 10 है ये, हाँ 10 चला गया बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा शॉट। एक्सपीरियंस है भैया को तो हम लोग से तो पॉसिबल ही नहीं है, सीखने पड़ेगा। आप लोग को आके जरूर ट्राई करें, मतलब यूनिक चीज़ है भाई पूरा पटना में। भैया पटना में तो हमको नहीं पता है, पटना में तो हम पहली बार देख रहे हैं। पटना में इस तरह का फर्स्ट टाइम। बिहार में है, कुछ कुछ जगह पे है, कल्याण बीघा में भी है, तो वो तो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट रेंज है, और इस तरह का रेंज आपको पटना में पहली। तो देखते हैं क्या प्राइस है, मेंबरशिप क्या है, देखते हैं वो भैया बताएंगे क्या क्या है मेंबरशिप है। ये आपका पूरा फी डिटेल है जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें है कि आपको रजिस्ट्रेशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है 3 ईयर के लिए, मेंबरशिप जो है 5,000 है, और लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं तो 10,000 है। 10,000 वाला मतलब ये लाइफ टाइम मेंबरशिप, बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसमें। इससे ये है कि आप लाइफ टाइम, ये है कि आप इस क्लब से लाइफ टाइम मेंबर बन जाइएगा, और कभी भी आप इस क्लब से खेल सकते हैं। और इसका मंथली फी बहुत कम रखा गया है, 2,000 मंथली फी है, 2,000 पे, मात्र 2,000 पे। यहाँ हम लोग सारा गन इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, बस आपको आके मेहनत करना है और एक सपना रखना है कि ओलंपिक हम जाए। और भैया जैसे मतलब इतना ट्रेनिंग ट्रेंड आदमी है, मतलब भैया इतना अच्छा टीचिंग करेंगे, आप लोग को तो लगता है ओलंपिक्स में डाल ही देंगे। बिल्कुल। तो आप लोग जरूर आए भाई, मेहनत करने से भाई देखो दुनिया में मेहनत करोगे तो सब चीज़ मिलेगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ खुला है यहाँ पर, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो हम तो भाई फाइनली सब चीज़ देख लिए हैं भाई, तरह तरह का गन देख लिए हैं, और पाटलिपुत्र गन शूटिंग एकेडमी
पूरा देख लिए भाई। तो लोकेशन बता दिया हूँ मैं आपको, और भैया से ज़रूर मिलें, बहुत अच्छे भैया हैं, टीचिंग बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पर। हाँ तो बाय, ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं।